आज हम बात करेंगे DDCA के सबसे प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट की और आपको बताएंगे एक पूल पार्टी कहां पे हुई और किस तरह से हेलो मॉम्स ने अपना मदर्स डे सेलिब्रेट किया और कहां पर एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। दिल्ली का सबसे प्रेस्टीजियस हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है फिरोशा कोटला ग्राउंड में 20 तारीख से। इस टूर्नामेंट में DDCA लीग की बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली टीम खेलती है। इसके शुभारंभ के समय DDCA लीग कमेटी के साथ क्लब सेक्रेटरीज और DDCA की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ने भी इसमें शिरकत की। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। गोल्फ व्यू अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 19B में हाल ही में गर्मियों का स्वागत करने के लिए एक पूल पार्टी हुई जिसमें सोसाइटी के 60 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बच्चे, महिलाएं, सीनियर सिटीजन्स सभी लोग शामिल थे और उन्होंने इसका खूब आनंद लिया। द्वारका पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने कोबरा गैंग के सरगने को हाल ही में गिरफ्तार किया। सरगना जिसका नाम नकुल है उसे पुलिस की टीम ने अरेस्ट किया। ये नवीन खाती गैंग का पूर्व शार्प शूटर है। इसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस स्टाफ की टीम में इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में काम किया जिसमें सब इंस्पेक्टर राजीव त्यागी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महावीर, हेड कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल कुलभूषण, कांस्टेबल सुमित और कांस्टेबल अश्वनी थे। ये पूरा ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारका राजेंद्र सिंह यादव के देखरेख में हुआ। डिफेंस ऑफिसर्स अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 33 सेक्टर 4 में एक कैंप लगा था जिसमें हेल्थ चेकअप के साथ साथ आंखों को भी देखा गया था और इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाया था पहल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सेंटर फॉर साइट और मणिपाल हॉस्पिटल के साथ मिलकर। सोसाइटी और उसके आसपास से बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने इस कैंप का फायदा लिया। द्वारका हेलो मॉम्स और द्वारका सिटी ने 19 तारीख को मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया था सेक्टर 23 कम्युनिटी हॉल द्वारका में। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे राजेंद्र सिंह ACP द्वारका और गेस्ट ऑफ ऑनर थी श्रीमती पल्लवी प्रकाश। इस कार्यक्रम की कन्वीनर थी मिसेस रज्जी कुरूप और सुधा सिन्हा। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इसमें एक फैशन शो भी रहा, बच्चों ने डांस भी किया, उसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक भी हुए। आज सेक्टर 3 विश्रांतिका सोसाइटी के ठीक सामने सर्विस लेन में सूखे पत्तों को जलाए जाने का मामला सामने आया। ये पत्ते दिन में करीब 11 बजे के करीब जलते हुए दिखाई दिए जिसके कारण आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैल रहा था। सामने विश्रांतिका सोसाइटी थी और उसके दूसरी तरफ मेन रोड था जहाँ पर आते जाते वाहनों को और पैदल यात्रियों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था। यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर और वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और Facebook पर देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।